हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा, टेक्निकल टर्म्स यूज इन इंजन, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको कल बता दिया गया था, कुछ आज बताएंगे जो रह गए हैं। तो कहने का मतलब, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। आज हम फिर उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली टेक्निकल टर्म्स यानी इंजन में यूज होने वाली तकनीकी शब्द क्या क्या है। तो कल हमने देखा स्ट्रोक, टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक की दूरी, क्लीयरेंस टॉप से ऊपर और सिलेंडर्स की जो दूरी थी। आज हम पढ़ेंगे साइकिल। साइकिल क्या होती है? साइकिल ये जो अगला है वो उसके आगे नोट कर लेना, वो 10 पढ़ा दिए थे, 11 पढ़ा दिए थे, उसमें देख लेना। साइकिल है, साइकिल किसे कहते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि साइकिल क्या है, क्योंकि साइकिल भी पूछ लेता है। साइकिल जैसे आपने पीछे सुना कि टू स्ट्रोक साइकिल, फोर स्ट्रोक साइकिल, ये टू स्ट्रोक साइकिल क्या होता है और फोर स्ट्रोक साइकिल क्या होता है। आपने टू स्ट्रोक के अंदर देखा होगा कि जब पिस्टन टीडीसी से और बीडीसी की तरफ आता है तो वो ताकत लेके ही नीचे आता है, यानी उसमें पावर होता है। लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या है कि जब वो एक बार टीडीसी से आता है तो सक्शन करता है, दूसरा कंप्रेशन करता है, फिर पावर, फिर एडजस्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट के लिए दो चक्कर मारता है, तो वो फोर स्ट्रोक साइकिल होती है। तो ये साइकिल क्या है? देखो, साइकिल ये है, जैसे यहां अपना है टी यानी टॉप डेड टीडीसी, और यहां अपन ने देखा ये है बीडीसी। तो साइकिल बोलता है कि जब फोर स्ट्रोक इंजन में, फोर स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें पिस्टन यहां से चलता है टीडीसी से, नीचे आता है यानी नीचे आएगा तो सक्शन करेगा, क्या करेगा, सक्शन, फिर वापिस जाएगा बीडीसी से, कंप्रेशन करेगा, यहां पहुंचा यानी दो स्ट्रोक हो गया, और फिर तीसरा पावर लेकर के नीचे आया और फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर गया, यानी ये साइकिल हो गया। यानी पिस्टन का जो क्रम है वो टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, जब ये क्रम चलता रहता है आगे भी, तो एक क्रम ये होता है कि पहले आप देखेंगे साइकिल में कि पिस्टन चलता है टीडीसी से, टीडीसी से बीडीसी, और बीडीसी से टीडीसी। अब क्या करता है, ये दो ही क्रम हुए, अब अपने को तो चार स्ट्रोक साइकिल में चार क्रम चाहिए, तो फिर आप आ जाएंगे कि यहां बीडीसी पे आ गया, टीडीसी पे चला गया, तो फिर टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी, यानी यही क्रम दोबारा दोहराया जाएगा। आप लिखेंगे टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी, यानी पिस्टन है वो पहले टीडीसी से चलता है बीडीसी पे आता है, टीडीसी से चलता है और बीडीसी पे आता है, और फिर बीडीसी से चलता है टीडीसी पे जाता है, और फिर टीडीसी से चलता है बीडीसी पे आता है, और फिर बीडीसी से चलता है ये टीडीसी पे जाता है। ये जो क्रम है ये क्रम फोर स्ट्रोक इंजन का है। फोर स्ट्रोक इंजन का ये जो सिस्टम है ये फोर स्ट्रोक इंजन की साइकिल है, इसी को साइकिल कहते हैं। यानी इसका जो क्रम, ये क्रम हो गया एक बार,
अगर अपने को एक बार पावर हासिल होती है तो एक कर्म हुआ, अगर अपने को एक बार पावर हासिल करनी है यानी एक मिनट में अगर पिस्टन किसी सिलेंडर के अंदर 2000 चक्कर काटता है यानी ऊपर नीचे क्रैंकशाफ्ट है वो 2000 चक्कर काटती है तो पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे आता है, इसका दुगना कर दो भाई। तो इतना गर्म चलने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको टेम्परेचर के बारे में आगे बताएंगे कितना टेम्परेचर कैसे कैसे हो जाता है। तो इस कर्म को क्या कहते हैं, इसी कर्म को यानी टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, इसी कर्म या इसी सेट को बार बार दोहराया जाए उसे बोलते हैं साइक। क्या बोलते हैं? साइक। अगला दो नंबर अपना था ये जो साइकिल हो गया। साइकिल के बाद आपन देखेंगे कि आज आपको पहले थोड़ा रोक पोजीशन और बता देता हूं। दो नंबर रोक, रोक पोजीशन, पोजीशन रोक पोजीशन में क्या है, जब पिस्टन टीडीसी से और बीडीसी की ओर जाता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है तो कुछ समय के लिए यहां रुकने की कोशिश, रुकता नहीं है वैसे, लेकिन कुछ समय ऐसा आता, एक समय ऐसा आता है कि कुछ डिग्री यानी 15 से 20 डिग्री या तो 15 डिग्री 15 से 20 डिग्री रुकता है यानी स्लो हो जाता है। कहां हो जाता है? जब पिस्टन टीडीसी से लेकर के बीडीसी पे जाता है उस दौरान 15 डिग्री बिल्कुल स्लो हो जाता है और रुकता है, फिर दोबारा ऊपर चलता है, फिर यहां टीडीसी पहुंचता है, यहां आग जलती है और 15 या 20 डिग्री फिर विश्राम करता है और फिर नीचे आता है, और जो विश्राम करता है यानी कुछ समय के लिए ठहरता है उसे बोलते हैं रोक पोजीशन। उसे क्या बोलते हैं? रोक पोजीशन। आज आपको तकरीबन ये सारी समझा दिया, लेकिन आज वो जो मेन जो चीज है मैं आपको बताऊं कि जो आपको आज याद करनी है और बार बार पूछा जाता है, आज है HP, दूसरा है IHP और अगला है 5 नंबर BHP और छठा है आपका FHP। HP क्या है? देखो जब पुराने जमाने में इंजन चलाए गए उस समय क्या था कि इंजन को चलाने के लिए उसके हॉर्स पावर की जरूरी थी, तो इंजन की जो ताकत थी वो घोड़ों से ली गई, तो घोड़ों से लेने के कारण इसका नाम पड़ गया हॉर्स पावर। क्या पड़ गया? हॉर्स पावर पड़ा। अब कहने का मतलब यह है HP क्या है, तो उस समय वैज्ञानिकों ने यह देखा कि कोई स्वस्थ घोड़ा यानी मस्त घोड़ा 200 पौंड वजन, कितना वजन? 200 पौंड वजन यानी अपने पीठ पे रख के और एक मिनट में कितना
एक मिनट में जो 165 की दूरी तय कर लेता था, कितनी 165 की दूरी, फिट की दूरी जो तय कर लेता था उसको बोलते थे हॉर्स पावर। उस समय उन लोगों ने देखा कि यही काम अगर दो घोड़े एक साथ करते हैं तो हाफ काम हो गया क्योंकि दुगना हो गया, और चार घोड़े तो उसमें पूर्ण हो गया समय, तो उसके अनुसार ये हॉर्स पावर जांचे गए। अब एक मिनट का कार्य उन लोगों ने इसको गुणा किया, यानी 200 गुणा 165 यानी 33,000 इसने ये बनाया कि 33,000 फुट पौंड स्क्वायर प्रति इंच काम किया। तो 33,000 का आंकड़ा उन लोगों ने पाया कि एक हॉर्स पावर कितने का होता है, 33,000 का होता है। तो एचपी ये था। उसके बाद आपने एचपी निकालने के बाद अपना जो अगला जो था वो था इसका सोल्ट। आप कोई पूछे आपको कि आईएचपी क्या है, तो आईएचपी ये जो आईएचपी ये सब क्या है इस सिलेंडर से रिलेटेड। आईएचपी में क्या है, ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड का मतलब है जो सिलेंडर के अंदर, यानी सिलेंडर के अंदर जो हॉर्स पावर तक प्राप्त की जाती है उसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का ही शॉर्ट नाम है ये IHP। जब पिस्टन TDC से BDC चलता है तो सक्शन करता है, क्या करता है सक्शन करता है। जब पिस्टन TDC से BDC चलता है तो सक्शन करता है, और BDC से जब TDC चलता है तो कंप्रेशन करता है, और कंप्रेशन करने के बाद जब यहां आग लगती है, फायर होता है, उस दौरान अपने को क्या होती है, पावर हासिल होती है, और जो पावर अपने को हासिल होती है वही क्या कहलाती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाती है। यानी मेन फोर्स, मेन जो पावर है वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है जो अपने को सर्वप्रथम प्राप्त होती है। दूसरी जो पावर होती है वो FHP होती है। इसका जो सूत्र भी है आप थोड़ा सा देखेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो सूत्र है उसको आप, एक सूत्र तो ये है कि IHP का सूत्र है, जैसे IHP बराबर BHP प्लस FHP, यानी FHP और BHP को जोड़ो तो ये क्या निकलता है, अच्छा इसका भी एक सूत्र है। आप देखें कि एक तो ये सूत्र है एक नंबर, और दूसरा है इसका IHP बराबर फुट कौन FP फुटपॉन्ड बटा, नो नो फुटपॉन्ड तो
उसकी एच पी की होती है, सॉरी मैं बटा 33,000 प्रति मिनट। ये जो होती है, दो नंबर नहीं लगाएंगे, ये जो होती है ये एचपी की होती है। ये क्या होती है? एचपी की होती है। एचपी का जो है ये जो सूत्र है ये एचपी का है, फुट पॉइंट बटा 33,000 जो प्रति मिनट का है। ये इस सूत्र से आप एचपी निकालेंगे। और आईएचपी है, आईएचपी का सॉरी आपको बताएं, आईएचपी का होता है सूत्र प्लांक बटा 33,000 कर दो या 4500 कर दो, एक ही बात, या 4500। तो ये आईएचपी का, आईएचपी का दो नंबर जो सूत्र है वो ये है दो नंबर आईएचपी का दो नंबर ये है। इसमें पी का मतलब होता है प्रेशर, जो इसके मेन इफेक्टिव जो प्रेशर होता है इसके ऊपर जो पड़ता है, आग लगती है। दूसरा लेंथ होता है कि कितना इसका स्ट्रोक लेंथ है। तीसरा इसका एरिया कितना है। और चौथा सिलेंडरों का चक्कर, और यानी सिलेंडरों का जो कितने चक्कर हैं, कितने सिलेंडर के अंदर ये चक्कर मारता है, और सिलेंडरों की संख्या, नंबर्स ऑफ सिलेंडरों के संख्या, और ये है अपने जो सिलेंडर कितने हैं उसका बटा 33। इसके हिसाब से अपन निकालते हैं, यहां 33,000 की बजाय 4500 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सूत्र हैं इसके। आईएचपी थोड़ा दोबारा समझें। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, यानी पावर स्ट्रोक के दौरान जब तीसरा स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक वो मैन स्ट्रोक होता है, उस दौरान अपने को उत्पन्न शक्ति, जो शक्ति अपने को मिलता है, उस शक्ति का वर्णन इसने किया है कि वो जो शक्ति जो अपने को प्राप्त हुई आग लगने के तुरंत बाद, जो शक्ति प्राप्त हुई उस शक्ति को इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। मैन इफेक्टिव जो प्रेशर होता है जो अपने को यहाँ मिलती है उसको पावर को हम बोलते हैं आईएचपी। अब आया बीएचपी। बीएचपी में आप देखेंगे कि ये ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर में क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर इसका शॉर्ट नाम आप देखेंगे बीएचपी बोलते हैं। और ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं कि अपने को जब इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी मैन पावर अपने को हासिल हो गया, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चला तो अपने को आईएचपी प्राप्त हुआ। आईएचपी प्राप्त हुआ तो इसे बीएचपी। अब बीएचपी का जो सूत्र है बीएचपी बराबर आईएचपी माइनस एफएचपी। ये इसका सूत्र रहेगा बीएचपी का। ये ब्रेक हॉर्स पावर है और इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी जो मूल हॉर्स पावर था वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर था, और मूल हॉर्स पावर में से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर को निकालने के लिए जो सूत्र है वो बीएचपी का 2। ये सूत्र तो है ही एक नंबर, लेकिन दूसरा ये है 2πNt बटा 45। ये इसका सूत्र 2πNt बटा 45।
ब्रेक होर्स पावर को निकालने के लिए इसका ये सूत्र रहेगा, उसमें प्लांक बटा 4500 रहता है और इसमें 2 पाई एनटी बटा 4500 रहता है। आया भाई समझ में? तो ये था बीएचपी ब्रेक होर्स पावर। ये एफएचपी क्या होता है, आप बीएचपी ने आपने पढ़ लिया कि बीएचपी ये है, आईएचपी ये है कि इसमें उत्पन्न शक्ति होती है। बीएचपी एफएचपी को कम करने के बाद, एफएचपी आपने कम कर दिया उसके बाद जो शक्ति आपको मिली उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स पावर। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स पावर। अब फ्रिक्शनल फोर्स पावर क्या है? एफएचपी ये ब्रेक फोर्स पावर हो गया, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल। अब फ्रिक्शनल हॉर्स पावर में क्या है, इसका ये एफएचपी है। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर ये होता है कि जिस दौरान अपना इंजन चलता है, जिस दौरान अपना इंजन चलता है तो उसको चलाने के लिए जो, जैसे फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए, जैसे अपने गियरों को इत्यादि को चलाने के लिए, फ्यूल पंप को चलाने के लिए, वाटर पंप को चलाने के लिए, और जैसे अपना टेपेट रोलर इत्यादि को चलाने के लिए, इसके अंदर जैसे कोई सुपर चार्जर है, अल्टरनेटर है, डायनमा है, बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाए गए हैं, फैन लगाया गया है, उनको चलाने के लिए जो शक्ति खराब हो जाती है, यानी शक्ति, क्योंकि जब इंजन चलेगा तो ये चीज़ें चलेंगी, क्योंकि उसमें फैन लगाए तो फैन चलेगा, उसमें वाटर पंप लगाए तो वाटर पंप चलेगा, उसमें ऑयल पंप लगा होता है क्योंकि ऑयल लुब्रिकेशन करने के लिए काम में आता है तो उस पर चलेगा, तो सारे के सारे लॉसेज हैं। फ्रिक्शन का मतलब आप समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है। अब फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज समूह चल रही है उसको रुकावट आती है, उसको फ्रिक्शन लॉसेज बोलते हैं, आप समझते हैं। और रुकावट किसमें आती है? रुकावट इसमें आती है कि जब पिस्टन चलता है, अपने कोई ताकत प्राप्त हुई तो शुरू प्रथम जैसे ही ताकत प्राप्त होगी तो ये चीजें चलेंगी, जैसे फैन चलेगा, वाटर पंप चलेगा, ऑयल पंप चलेगा, सुपर चार्जर चलेगा, अपना जो ब्लोअर है वो चलेगा, उसके अंदर जो सिस्टम सारे के सारे लगे हैं वो चलेंगे भाई, पहले वो चलेंगे तो वो फ्रिक्शन लॉसेज करेंगे। वो क्या करेंगे? फ्रिक्शन लॉसेज करेंगे, और फ्रिक्शन लॉसेज करेंगे तो एफएचपी होगा, और एफएचपी का सूत्र रहेगा एफएचपी बराबर आईएचपी माइनस बी एच। बीएचपी जब बचता है, क्योंकि ये खर्च होने के बाद ही बचता है, इसलिए इसमें से ये घटा दीजिए, एफएचपी आ जाएगा। एफएचपी का सूत्र ये है, एफएचपी का सूत्र ये है। तो ये थे आज के, जैसे आपको बताया, आपको फ्रिक्शन लॉसेज बताएंगे। फ्रिक्शन लॉसेज कौन कौन से होते हैं वो भी थोड़ा सा देखते हैं। फ्रिक्शन लॉसेज में लिखेंगे आप लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज। एक नंबर, उसके अंदर कूलिंग सिस्टम होता है, तो कूलिंग सिस्टम में क्या क्या चलाया जाता है? कूलिंग फैन होता है। दूसरा, उसमें कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए, जो सिस्टम को चलाने के लिए वाटर पंप होता है।
तीसरा उसको लुब्रिकेशन करने के लिए और उस इंजन को ठंडा करने के लिए ऑयल पंप लगा होता है। ऑयल पंप चलाने के लिए भी जो लॉसेज होगा वो इसी में से होगा, क्योंकि ये भी साथ में चलेगा। आप बैटरी को स्टार्ट करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं डायनमा या अल्टरनेटर जो है डायनमा या अल्टरनेटर लगा होता है, जो कि अपनी जो बैटरी होती है उसमें लाइट इत्यादि को चार्ज करने के लिए ये अल्टरनेटर और डायनमा लगाया जाता है। अब देखेंगे कि उसके अनुसार बैटरी अपनी चार्ज होती है। अगला है पांच नंबर, अल्टरनेटर हो गया, डायनमा हो गया, ब्लोअर यानी पंखा लगा होता है, उसमें सुपर चार्जर, सुपर चार्जर लगा होता है। और छह नंबर उसमें सुपर चार्जर, फ्लोएड, डायनमा, अल्टरनेटर, ऑयल पंप, कूलिंग सिस्टम में और क्या क्या लगा होता है, डायनमा लाइन घुमाया लगता है। अब रोकर आर्म यानी टेप रोकर आर्म, असेंबली यानी सिस्टम इसको भी इंजन के द्वारा ही चलाया जाता है। अपना जो पंप है यानी फीड पंप है उसका भी इसके द्वारा ही चलाया जाता है। इसलिए जितनी भी ये शक्तियां हैं ये पहले लोसेज कर देती हैं। लोसेज करने के बाद जो शक्ति बचती है वो फ्लाईव्हील को जाती है, और फ्लाईव्हील को जो शक्ति जाती है उसको बीएचपी कहते हैं। सीधी सी बात, ब्रेक हॉर्स पावर उसको कहते हैं, कि जिस समय इंडिकेटेड हॉर्स पावर होने के बाद उसमें से एफएचपी कट जाता है। एफएचपी कटने के बाद जो शक्ति प्राप्त होने के बाद जो शक्ति बच जाता है, लॉसेज होने के बाद जो बच जाता है, वो जो फ्लाई व्हील या क्रैंकशाफ्ट घुमाने के कार्य आता है, फ्लाई व्हील या क्रैंकशाफ्ट घुमाने के जो काम में आता है उसे बोलते हैं बीएचपी, ब्रेक लॉसेज। ये लॉसेज है थोड़े से, ये देख लेना। अब आपके कुछ और रह गए हैं, जैसे वर्क रह गया कार्य करने की जगह, पावर रह गया यानी कार्य करने की दर, एनर्जी रह गया, एनर्जी ना ही तो खत्म होता है ना ही उत्पन्न किया जाता है ना ही कोई बाहर होता है उसमें, यानी कोई मेटेरियल है उसमें उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी बिजली है, कोई मैकेनिकल कोई भी सिस्टम है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदला जाता है। एनर्जी है उसको आपको बताया था कि जैसे अपने इंजन में देखें हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल एनर्जी में आ गया। जैसे पंखा चल रहा है विद्युत से मैग्नेटिक में आ गया, विद्युत हीटर यानी विद्युत से हीटिंग में आ गया, कोई भी बल्ब है विद्युत से इलेक्ट्रिक से मान लो प्रकाश ऊर्जा, यानी ऊर्जा से स्थानांतरण किया जाता है, एक से दूसरे में परिवर्तन किया, नहीं तो इसको पैदा किया जा सकता नहीं खत्म किया जा सकता, ये ऊर्जा। फिर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब, प्रेशर यानी कंप्रेशन प्रेशर आपको बताया कि नहीं बताया, कंप्रेशन प्रेशर और बताया, एक रह गया कंप्रेशन प्रेशर। अगला जितना भी नंबर था अगला देखेंगे कंप्रेशन प्रेशर। कंप्रेशन प्रेशर क्या है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, जब पिस्टन टीडीसी की
से लेकर के बीडीसी की ओर आता है, उस दौरान पेवर हवा को यानी या एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या कर लेता है, चूस लेता है वाल्वों के द्वारा। तो जिस दौरान बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो आए हुए एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करेगा, कंप्रेस करता है। जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, उस दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। एयर फ्यूल मिक्सचर को जैसे ही कंप्रेस करेगा, मान लो एयर फ्यूल मिक्सचर को इसने कंप्रेस किया तो उसका प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि किसी चीज को यानी 100 है, इसके अंदर 100 सीसी डाल दिया और 100 सीसी को 10 सीसी में करना है, तो 100 सीसी को उसने 10 सीसी में कर दिया तो पूरा दब गया, और दबने से उसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और हीट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर के साथ में हीट बढ़ जाता है, आपको मालूम है। तो जैसे उसको दबाया, दबाने से उसका प्रेशर कितना हो गया, अधिक हो गया। तो डीजल इंजन का जो प्रेशर है, डीजल इंजन का रहेगा आपका 350 pound per square inch होता है, से 550 pound per square inch। कितना बढ़ जाता है, यानी डीजल इंजन होगा तो डीजल इंजन में 350 से लेकर के 550 तक का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और पेट्रोल इंजन का आप देखेंगे कि 90 बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें 90 pound per square inch से 150 ही होता है, 150 ये इसका बढ़ जाता है। आपको पूछ लेता है कि पेट्रोल इंजन का प्रेशर कितना होता है, तो 90 से 150 होता है। डीजल इंजन का प्रेशर कितना होता है, तो ये इसका आप ये देखेंगे कि आपका 350 से 550। तो ये था आपका, अब टेक्निकल टर्म्स आपके तकरीबन पूरे हो चुके हैं। वैसे जैसे जैसे इंजन पढ़ाएंगे टेक्निकल टर्म्स और भी आते जाएंगे, लेकिन आप विज्ञान में जो आपने पढ़ा है 10वीं 12वीं में, काम है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो तो साथ साथ चलती रहती हैं। इस इंजन का थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है, जाहिर है कि आपको समझ में आया होगा। सब इंजन के इसके सिलेंडर के इर्द गिर्द घूमता है, ये जो चीज़ें समझ में आ गई तो इंजन आपका समझ में आ गया। अब आगे जैसे ही आगे आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक पार्ट आगे दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, साथ साथ में दिखाएंगे, करा के दिखाएंगे आगे आगे क्या होता है। तो ठीक है, ओके, सी यू।